अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। इस चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रतिद्वंद्वी रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस को हरा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप अब 20 नवंबर को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। इसके साथ ही वे इस पद पर दूसरी बार आसीन होंगे। उनकी शानदार जीत के बाद दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। इस दौरान चर्चाएं लगातार इस बात को लेकर बनी रहीं कि ट्रंप की इस विजय पर रूस के राष्ट्रपति की ओर से कोई बयान आता है या नहीं। और जैसे कि उम्मीद थी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति चुनाव जीतने की बधाई नहीं दी। हालांकि देर से ही सही, रूस की ओर से इस पर प्रतिक्रिया जरूर आई है। हालांकि उस प्रतिक्रिया में भी कोई बधाई संदेश नहीं था। ट्रंप की जीत पर रूस की ओर से प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि हमारे अमेरिका के साथ पारस्परिक संबंध दशकों से खराब रहे हैं, लेकिन इस बात की परवाह किए बिना रूस आज भी अमेरिका के साथ बातचीत के लिए हमेशा तैयार है। रूसी प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि वो आने वाले समय में ये देखेगा कि व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के लौटने पर क्या होता है और रूस के प्रति उनका नजरिया क्या रहता है। पत्रकारों ने जब उनसे ये जानना चाहा कि क्या ट्रंप की जीत पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कोई संदेश दिया है, तो उन्होंने कहा कि उन्हें राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा ट्रंप को बधाई संदेश की किसी योजना के बारे में जानकारी नहीं है। उन्होंने यूक्रेन के लिए अमेरिकी समर्थन का जिक्र करते हुए कहा कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम एक ऐसे अमित्र देश के बारे में बात कर रहे हैं जो अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष तौर से हमारे देश के खिलाफ युद्ध में शामिल है। ट्रंप की जीत पर रूस के ऐसे रवैये और बधाई न दिए जाने पर जब दिमित्री पेस्कोव से ये पूछा गया कि क्या इस तरह से अमेरिका के साथ संबंधों में और बिगाड़ नहीं आएगा, इस पर पेस्कोव ने कहा कि जो संबंध पहले से ही खराब चल रहे हों, उन्हें और क्या खराब किया जा सकता है। उन्होंने दोनों देशों के बीच संबंधों के भविष्य पर कहा कि अमेरिका का नेतृत्व तय करेगा कि वो रूस के साथ आगे कैसा संबंध रखना चाहता है। आपको बता दें कि अमेरिका में ट्रंप के चुनाव जीतने पर उन्हें दुनिया भर से बधाई संदेश मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्रंप को शुभकामना देते हुए उन्हें अपना मित्र बताया। इतना ही नहीं, भारत में तो कई जगहों पर ट्रंप की इस विजय पर लोग जश्न मनाते और आतिशबाजी करते भी दिखाई दिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही।